ट्रेन में समय गुजारने के लिए बगल में बैठे बुजुर्ग से मेरी पत्नी ने बातचीत करनी शुरू कर दी। कहाँ जाएंगे बाबा? इलाहाबाद तक बिटिया, उसने मजाक में कहा। अरे कुंभ लगने में अभी तो बहुत टाइम है, वहीं तट पर बैठ के कुंभ का इंतजार करेंगे। बेटी का ब्याह कर लिए हैं, अब तो कुंभ नहाना ही रह गया जीवन में। अच्छा, परिवार में कौन कौन है बाबा? कोई नहीं, बस एक बिटिया थी, पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिए। अच्छा, दामाद क्या करता है? वो हमारी बेटी से प्यार करता है बिटिया। इतना कह के उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपनी आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पत्नी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा था कि अगर उससे शादी नहीं होगी तो जहर खा लेंगे। बिन माई भी बच्ची थी बिटिया, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए मैंने हाँ कह दी। अब पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। मेरे पास जो कुछ भी था सब गहना जेवर आवभगत में लगा दिए। तभी शादी से एक दिन पहले समधी जी पधारे और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बिटिया ने कहा कि आपके बाद सब कुछ मेरा ही तो है पापा, क्यों नहीं अभी दे देते। तो हमने घर जमीन बेचकर नकद की व्यवस्था कर दी। पत्नी ने कसमसाते हुए कहा कि सब कुछ उसी का तो था बेवकूफ लड़की, फिर आपको मना कर देना चाहिए था कि भाई मेरे मरने के बाद सब कुछ बेचकर ले जाए। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी की गृहस्थी में कलेश नहीं चाहता बिटिया। हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं। नहीं बिटिया, ऐसे नहीं है, वो बहुत रोई थी जब विदाई पे। और आप? उस बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और कहा, हम तो निष्ठुर आदमी हैं बिटिया, हमारी पत्नी सुधा जब उसको हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उनकी लाश सामने रखी थी और तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बिटिया के लिए दूध गर्म कर रहे थे। अगर आप अपने पिता के प्रेम त्याग और तकलीफ को नहीं समझ सकते तो आप उनकी संतान नहीं हैं।